भारत में 2019 में संसदीय क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जनताओं से अपील है कि किस उम्मीदवार को जिताया जाए उसके बारे में एक महत्वपूर्ण विषय है चर्चा करना चाहूँगा। व्हाट इज डेमोक्रेसी, जनतंत्र क्या है और जनतंत्र किस प्रकार भारतीय समाज में इसकी भूमिका रहती है उसके बारे में चर्चा करना है। डेमोक्रेसी दो शब्द से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिक, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोस का अर्थ होता है शक्ति और क्रेटिक का अर्थ होता है जनता, अर्थात जनता की शक्ति, जिसे जनतंत्र कहते हैं। जैसा कि अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, अर्थात जनतंत्र जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। इतना ही नहीं, कहना है कि सिर्फ वोट देना और सरकार बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किस तरह से जनता की भूमिका है उसके बारे में जानना होगा। तीन तरह से जनता की भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। पहला, राजनीतिक जनतंत्र। राजनीतिक जनतंत्र में कहा गया है कि जनता अपने वोट का सदुपयोग कर सरकार बनाती है और यह देखती है कि किस तरह से शासन प्रणाली चल रही है। लेकिन जनता भूल जाती है, वह सिर्फ वोट देकर फिर चुप हो जाती है। सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद और संसदीय क्षेत्र में सिर्फ वोट देना ही नहीं है, बल्कि जब सरकार बने तो उसकी देखरेख करना जरूरी हो जाता है, तभी इसका विकास हो सकता है और शासन प्रणाली सही ढंग से चल सकता है। दूसरी बात यह है कि आर्थिक जनतंत्र। आर्थिक जनतंत्र में जनता का समान अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक जनतंत्र के माध्यम से, सत्ता उन्हीं के पास होती है। किसी खास व्यक्तियों में आर्थिक जनतंत्र नहीं होती है, कुछ व्यक्तियों में सीमित नहीं होती है। देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि आर्थिक का उपयोग किस प्रकार की जाए। तीसरी बात यह है, सामाजिक जनतंत्र। सामाजिक जनतंत्र में
शवों की भागीदारी समान होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति के व्यक्ति हों, तभी देश सही ढंग से चल सकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जनता देश पर निगरानी रखे कि किस तरह से शासन प्रणाली चल रही है और आर्थिक विकास किस तरह से हो रहा है। समान रूप से शवों में आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं, इसे जनता देखे, तभी भारत की शासन प्रणाली और विकास हो सकता है जो मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होगा, और इस तरह से देश और अंतर्राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। धन्यवाद। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस व्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे यह मैसेज पूरे भारतवर्ष में पहुँचे और जनता सोचें कि किस तरह से शासन प्रणाली चलाया जाए। धन्यवाद।